सो यशोर वी हैव डिस्कस्ड माइटोसिस, अब हम मेयोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेयोसिस जो होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है, वो सेल्स जिसके अंदर हमारे पास न्यू ऑर्गेनल फॉर्म करना होता है वहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है। अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज़ अ न्यूक्लियर डिवीजन यूजली अकरिंग इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिजल्टिंग इन गैमेट फॉर्मेशन। अ डाइप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड बाय मेयोसिस इन टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स। यहाँ पर जो डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं उनकी तादाद कितनी है, फोर है, और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं इन ईच। मेयोसिस कॉज द क्रोमोसोम नंबर टू बी हाफ्ड। मेयोसिस अकर इन वर्टिब्रेट एनिमल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, और यहाँ पर इन मैनी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ डाइप्लॉयड बॉडी सेल न्यूक्लियस इज हाफ्ड। 46 से वो हाफ होकर 23 क्रोमेटिड्स पर आ जाती है और हमारे पास न्यू सेल इसके अंदर फॉर्म करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट स्टेप जिस तरह के उसके था, यहाँ पर इंटरफेस नहीं होगी, जहाँ पर क्रोमेटिड्स जो हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्डर वो अलग प्रेस नहीं होगी। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रोफेज है, इसके अंदर 8 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1 है और उससे ऑनवर्ड फॉर्म करता है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम बिकम विजिबल एंड लॉन्ग वेल सेपरेटेड फिलामेंट्स दे डू नॉट येट अपीयर डबल स्टैंडर्ड दो अदर एविडेंस इंडिकेट द एप्लीकेशन हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। यहाँ पर हमारे पास प्रोफेज के अंदर क्या है कि क्रोमोटिड से हमारे पास क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। क्रोमोसोम फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है साइनैप्स करते हैं, यानी ये पॉसिबल है यहाँ पर कि एक क्रोमोसोम जो है उसका क्रोमोटिड दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमोटिड से रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पर ये साइनैप्स का अमल होता है जिसके अंदर हमारे पास जो से वेरिएशन आती है, हम आगे वेरिएशन का टॉपिक पढ़ेंगे। इनहेरिटेड वेरिएशन की कॉज यहाँ पर है कि हमारे पास जो सा क्रोमोसोम का साइनैप्स होना यानी चेंज होना है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम बिकम क्लियरली डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पर उनके डबल स्टैंड बन जाते हैं, यानी ये देखें जिस तरह कि यहाँ पर क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बने, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम बन गए हैं। और क्रोमोसोम बनने के बाद वो इसी तरह हमारे पास स्पिंडल फाइबर फॉर्म करेंगे, और स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, इन दोनों क्रोमोसोम्स को, यानी ये चार क्रोमोसोम्स हैं, इन चारों क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो ले जाएंगे, और ये हमारे पास एनाफेज के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। टीलोफेज के अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और यहाँ हमारे पास दो अलग जो से सेल्स हैं वो फॉर्म कर जाएंगे, ठीक है। अब ये जब प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे पास दो अलग डॉटर सेल्स जो हैं वो फॉर्म कर गए, ये है मेयोसिस वन। सेकेंड प्रोसेस क्या है, वो मेयोसिस टू है। मेयोसिस टू के अंदर सिमिलरली प्रोफेज वन आएगा, प्रोफेज टू आएगा, प्रोफेज टू के बाद हमारे पास उसी तरह स्पिंडल फाइबर फॉर्म करेंगे और सेंट्रोमियर से ज्वाइन होंगे। सेंट्रोमियर से ज्वाइन होने के बाद दोनों क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे दो क्रोमेटिड इस तरफ एक पोल पे आ गए और दूसरे क्रोमेटिड दूसरे पोल पे चलेंगे। तो ये हमारे पास दोनों सेल्स के अंदर सिमिलर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, और सिमिलर डिवीजन होने के बाद दोबारा हमारे पास न्यूक्लियस फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। टीलोफेज के अंदर साइटोकाइनेसिस होगी और न्यूक्लियस फॉर्मेशन के बाद हमारे पास लास्ट पे क्या मिलेगा, फोर डॉटर सेल्स मिलेंगे इन द केस ऑफ मेयोसिस। तो ये प्रोसेस था मेयोसिस का, और ये कहाँ पर होता है, इन गैमेट सेल्स या जैसे हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस फॉर्म करता है। अब वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप्स। वेरिएशन क्या है, डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बिटवीन द स्पीशीज, एक स्पीशीज़ के अंदर भी या बिटवीन टू स्पीशीज़, यानी हमारे पास दो स्पीशीज़ का डिफरेंस तो कॉमन है, मसलन एलिफेंट और लायंस के दरमियान ह्यूज डिफरेंस मौजूद है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर डिफरेंस मौजूद है, लेकिन विद इन द लायन स्पीशीज़ भी हमारे पास डिफरेंट तरह के लायंस मौजूद हैं। मसलन हमारे पास अफ्रीकन लायन है, एशियन लायन है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, तो कलर, शेप, साइज सारी डिफरेंट है। तो ये क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विद इन स्पीशीज भी हो सकती हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आर दो कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि हमारे पास जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर ऑफस्प्रिंग में आती हैं उनको इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और वेरिएशन को अगर मैं दोबारा डिफाइन कर दूँ, वेरिएशन आर द डिफरेंस अमंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज और बिटवीन द ऑर्गेनिज्म सेम डिफरेंट स्पीशीज, हमारे पास सेम स्पीशीज के दरमियान और डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान जो डिफरेंस, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। वेरिएशंस की दो कॉजेज हैं, एक जेनेटिक कॉज है और सेकेंडली इन्वायरमेंटल कॉज है। वेरिएशन किसी बॉडी के अंदर दो तरह से आ सकती है, या तो उसका क्रोमोसोम जो है वो उसका डीएनए जो है वो डिफरेंट हो, यानी उसके जीन्स जो हैं उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, जीन का कोड डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक वेरिएशंस। और सेकेंड हमारे पास क्या है, वो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। इन्वायरमेंटल वेरिएशन कॉज हमारे पास उसकी वजह है वो इन्वायरमेंट की वजह से होती है,
इसके अंदर मसलन अगर हम ब्लड ग्रुप की वेरिएशन देखें तो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, वो हमारे पास उसके इन्वायरमेंटल रीज़न भी हैं और जेनेटिक रीज़न भी हैं। इसके अलावा हम देखें तो अगर ट्विन्स जो होते हैं उनकी टोटल बॉडी का जीन एक होता है, दो ट्विन्स हैं उन दोनों का जीन जो होता है जीन कोड है वो सेम है, लेकिन उनके अंदर फिर भी वेरिएशन आ सकती है। मसलन दो ट्विन्स हैं, अगर एक को डाइट वो अपनी सही रखता है और दूसरा जो सा ट्विन है वो अपनी डाइट सही नहीं रखता, तो जो सा ट्विन अपनी डाइट सही नहीं करता, बेशक दोनों के पास टॉल ग्रो करने की पेरेंट्स की तरफ से उसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन वो टॉल ग्रो नहीं करेगा या उसकी हेल्थ पे इफेक्ट होगा, वो क्यों होगा? ड्यू टू इन्वायरमेंटल वेरिएशन, वो इन्वायरमेंट की वजह से वो शॉर्ट रहेगा और वो दूसरा जो है उसको डाइट सही मिल रही है वो टॉल ग्रो कर जाएगा। तो ये वेरिएशन जो है इन्वायरमेंटल है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल वेरिएशन की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो प्लांट्स के ऊपर है। प्लांट्स के देखें कि दो एक ही साइज़ के प्लांट्स आप ले लें, एक को आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सनलाइट लाइट प्रोवाइड करें और दूसरे को यही चीज़ें प्रोवाइड ना करें, सॉइल भी उतनी अच्छी प्रोवाइड ना करें, तो क्या होगा? जिस पौधे को वो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं वो अच्छा ग्रोथ करेगा और वो ज़्यादा अच्छी तरह वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दूसरा प्लांट ऑन दी अदर हैंड वो हमारे पास इस तरह की ग्रोथ शो नहीं कर सकेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो आज हमने कवर किया है, जिसके अंदर क्रोमोसोम से लेके और वेरिएशंस और इनहेरिटेड वेरिएशंस को हमने कवर किया है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं माइटोसिस और मियोसिस के, इनकी डायग्राम ज़रूर पेपर पूछी जाती हैं, तो इनको काइंडली प्रिपेयर करें। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह।